एक गुरु और शिष्य की अनसुनी कहानी। गुरु और शिष्य के जाने के 10 साल बाद क्या हुआ? कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु की काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहें तो आज की रात यही आसपास के किसी गाँव में गुजार ले। गुरु जी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गाँव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरु जी के शिष्य ने दरवाजा थकथकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया तो गुरु जी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे लेकिन काफी रात होने के वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा, क्या हम आज रात आपके यहां रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरु जी अंदर गए उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरु जी ने उससे पूछा कि आप काम क्या करते हो? वो गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारी जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी जमीन है तो इस तरह से क्यों रह रहे हो? वो आदमी बोला, ये किसी काम की नहीं है, गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती है और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला कि तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती है और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी अब किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना, मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए थे और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपने जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई और आज मैं इस गाँव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए और उसे ये बात अब समझ आई और वो रोने लगा। सिख, इस कहानी से हमें ये सिख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसी बहुत सी टैलेंट छुपी हुई है लेकिन हमें कोई ना कोई चीज रुका कर रखी है। वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपको जॉब भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी तो भैंस की जैसी कोई दूसरी चीज तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है। कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।